हाँ तो सुनिएगा मेरे, सत्संग के प्रेमियों, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। क्या हाल है मानव का प्यारे, सोचिएगा। लेकिन एक बात और कहूंगा प्यारे, सपने वो नहीं पूरे होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो नहीं पूरे होते जो सोने पे आते हैं, सपने पूरे वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। सपने पूरे वही होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने वो नहीं होते प्यारे जो रोने पे आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं प्यारे, अपने तो वो होते हैं जो कभी रोने ही नहीं देते। राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस, बरसत बारद बूंद गहे चाहत चढ़न आकाश। यानी जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमारथ और मोच की आशा करता है, वह तो मानो बरसते हुए बादल की बूंदों को पकड़ करके वो आकाश में चढ़ना चाहता है। अर्थात जैसे वर्षा की बूंदों को पकड़कर आकाश पर चढ़ना असंभव है, ऐसे ही बताया गया है कि राम नाम का जप किए बिना कभी भी हमें परमारथ की प्राप्ति हो नहीं सकती। यानी सुख की, शांति की प्राप्ति हो नहीं सकती है। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पुत्राज्ञाकारी, और चौथा सुख सुलक्षणा नर। धन से कभी आपको सुख नहीं मिल सकता है, परिवार से कभी आपको सुख नहीं मिल सकता है, संतान से कभी आपको सुख नहीं मिल सकता है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या संतान से राजा सगर को सुख मिला? कितना बड़ा परिवार था रावण का, क्या परिवार को, उस रावण को परिवार से सुख मिला? नहीं। पहला सुख निरोगी काया, अगर हमारी काया स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, तभी तो हम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर ने मना कर दिया, डायबिटीज है, कैंसर है, ये है, फलाना है, ढिकाना, अनेकानेक रोग जब शरीर में लगे पड़े हैं, तो बताओ वो एसी का मकान, एसी की कोटी, एसी की गाड़ी, एसी का सब कुछ, ये सारी सुख सुविधाएं, ये लाखों करोड़ों पैसा क्या काम का? जब डॉक्टर ने मना कर दिया है, आप कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकते हो, चीकना खा नहीं सकते हो, पकवान खा नहीं सकते हो, मीठा खा नहीं सकते हो, एसी में ठंडे में रह नहीं सकते हो, बताओ वो पैसा जो कमाया किसके लिए? दूसरों के लिए। इसलिए ध्यान सुन, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी काया स्वस्थ है तो पैसा भी कमा सकते हैं और इन सारी व्यवस्थाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। इसलिए राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस। यानी राम के नाम के जप किए बिना परमारथ की कभी प्राप्ति असंभव नहीं है, इसलिए राम को साथ में रखो। आइए सुनते हैं इस भजन के द्वारा शिरद।
लीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ा ही सुंदर निर्गुण भजन जो आज के जमाने की तस्वीर और आज के जमाने के आधार पर लेकर के आए हैं। सुनिएगा क्या हाल है जमाने का, क्या हाल है जमाने के लोगों का। ओ हमने जग की अजब तस्वीर देखी, ओ हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं। सुखी हो तो नहीं, एक सुखी है तो हजार दुखी है प्यारे, ये जमाने की हालत है। हमने प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, हमने प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं। क्या बात है, यही हाल है प्यारे दुनिया का, कहीं भी चले जाओ सुखी कोई भी नहीं है, कोई अपने शरीर से दुखी है, है किसी के पास बहुत सारा धन है तो रोग से दुखी है, सुखी कोई भी नहीं है। और क्या बताया है, तो एक सुखी यहां लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में, हाँ तो एक सुखी यहां लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में, हमने सुख से, हमने सुख से सुगुनी यहाँ पीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं। यारे क्या हाल है दुनिया का, एक दो आपको सुखी मिलेंगे लेकिन करोड़ों आंखों में आंसू मिलेंगे, ये दुनिया का हाल है। आज की जनरेशन में, आज के दौर में, आज के समय में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है लेकिन दूसरे के सुख से बहुत बड़ा दुखी हो चुका है, ये हाल ये मती बना ली है आज के इंसान ने। कलम उठाया और बड़ी सुंदर बात लिखी, अरे कुछ बोल प्रभु तेरी क्या माया है, तेरा खेल समझना आया है, कुछ बोल प्रभु तेरी क्या माया है, तेरा खेल समझना आया है, हो हमने पढ़ पढ़, हो हमने पढ़ पढ़ हर ये तकदीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं, एक
खसता है दस रोते हैं। यारे क्या हाल है दुनिया का, प्रभु की इस माया को समझना बड़ा दुष्कर है, है? कैसा खेल है, कैसी माया है हरि की। सभी वेद और शास्त्रों को आप भर करके देख लिएगा, सभी में यही हाल मिलेगा, सुखी कोई नहीं है। कोई दौलत है पर रोता है, कोई दौलत है पर रोता है, वो न चैन की नींद सोता है। हाँ कोई दौलत चैन की नींद सोता है। प्यारे दौलत है पर उसे नींद नहीं आती, सारी रात की उसके नेत्र खुले रहते हैं, यही सोचता है क्या करूं क्या करूं। हाँ हमने आंखों से, हाँ हमने आंखों से ये तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं, एक हंसता है दस रोते हैं।